तो फिर यार स्वागत है आप सभी का मेरे और एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं पबजी के ऊपर। और कुछ दिन पहले गेम इन्फॉर्मर एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने जाके जो डायरेक्टर है ब्लू होल कॉर्पोरेशन या फिर प्लेयर अननोन कॉर्पोरेशन के, जिन्होंने पबजी बनाया और उसका आइडिया दिया, उनसे एक इंटरव्यू किया था। और उनमें उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात कही कि पबजी जो है, यानी पबजी पीसी जो है, उसका और कोई भी अपडेट नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग और भी नए नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वो लोग पबजी को एक पुराने गेम की तरह मान ले रहे हैं और उसको कोई अपडेट देंगे भी नहीं। उसको सिर्फ परफॉर्मेंस और कुछ ग्लिचेस या फिर जो बग्स या फिक्सेस के लिए अपडेट दे सकते हैं, पर नॉर्मली नए नए मैप्स या फिर नए नए मोड्स कभी और आएंगे ही नहीं। और इसका मतलब ये भी हो जाता है कि पबजी मोबाइल में और नए अपडेट्स आएंगे भी नहीं, यानी जो पबजी पीसी के सारे अपडेट्स अगर दे दिए जाए पबजी मोबाइल पर, फिर उसके बाद पबजी पीसी में कोई अपडेट तो आएगा नहीं, तो फिर पबजी मोबाइल में भी कुछ अपडेट्स के बाद और अपडेट्स आना बंद हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस और बग फिक्सेस का ही अपडेट आ सकता है, वरना नए मैप्स और नए मोड्स का कोई अपडेट आने का चांसेस ही नहीं है। तो फिर मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो फिर विदाउट एनी फर्दर एडू चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा उस इंटरव्यू का डिस्क्रिप्शन में। तो फिर आप सभी इनको तो पहचानते ही होंगे, या फिर पबजी रिलेटेड अगर आपने कुछ देखा होगा तो फिर इनका फेस आपको याद ही होगा, क्योंकि यही है जिन्होंने पबजी का आइडिया दिया और साथ ही को उसे एक रियलिटी बनाया। और ये है ब्रेंडन ग्रीनी, जो कि पबजी के फाउंडर हैं और साथ ही में डायरेक्टर हैं ब्लू होल कॉर्पोरेशन और प्लेयर अननोन कॉर्पोरेशन के। तो फिर इन्होंने ही पबजी निकाला और पबजी के मैस्कॉट या फिर फेस बन गए। और इतने ही दिनों से वो सिर्फ सिर्फ पबजी के ऊपर ही काम कर रहे हैं और बहुत सारे मीटिंग्स में जा रहे हैं और बहुत सारे डिस्कशंस कर रहे हैं कि वो पबजी को कैसे और भी बढ़िया बनाए। पर फिर भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे बेवकूफी वाले डिसीजंस भी लिए, जैसे कि फोर्टनाइट को सू करना और साथ ही में एक एक्सबॉक्स का पोर्ट निकाल देना। और उनकी जो टीम थी वो बहुत ही ज्यादा पैसों की भूखी थी, पर ये तो हो गई दूसरी की बातें। और उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा कि वो फिर से गेम्स बनाने में आ रहे हैं और साथ ही में अपनी टीम के साथ फिर से एक नए गेम या फिर नए आइडियाज के ऊपर काम करने वाले हैं, क्योंकि उनके टीम को अच्छे से पता है कि बैटल रॉयल कैसे डिजाइन करना है और साथ ही में उनके पास अभी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बजट भी होगा, क्योंकि पबजी की सेल्स की वजह से उनको हद से ज्यादा ही फायदा हुआ। और साथ ही में दूसरे जगहों से भी उनको पैसे आ रहे हैं, जैसे कि पबजी मोबाइल हो गया और कुछ दिन बाद शायद जब पबजी लाइट निकले तब भी उनको बहुत फायदा हो। पर फिर भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज है जिन पर हम काम करने वाले हैं और साथ ही में मेरी जो टीम है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गई है ऐसे गेम्स बनाकर। और आप भी सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा। Get my hands dirty in development again. That's what I'm really looking forward to. Is just spending time with a small team and working on some ideas. That's what, you know. Listen, I may have the future in front of me, but right now I just want to get back to making games again. तो फिर उनकी बातों से और उनके एटीट्यूड से हमें पक्का पता चल रहा है कि वो अभी पबजी में ज्यादा एक्साइटेड नहीं है और साथ ही में वो पबजी को छोड़ के और भी आगे बढ़ गए हैं और नए गेम्स के ऊपर काम करने का सोच रहे हैं, जिससे कि हमें और भी ऐसे बैटल रॉयल टाइप के गेम्स मिल सके। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि पबजी जो था वो लेजेंडरी था और बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि पबजी ने हमें एक नए टाइप के जॉनरा के बहुत ही सारे गेम्स दिए, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे भी थे और बहुत ही ज्यादा बकवास भी थे। जैसे कि एपेक्स लेजेंड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा था, फोर्टनाइट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और साथ ही में रिंग ऑफ एलिजियम और भी ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब से गेम्स भी आए जो ज्यादा लोगों को पसंद भी नहीं आए, पर फिर भी वो बैटल रॉयल जॉनरा के ही थे। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ही करीब करीब बैटल रॉयल को इन्वेंट किया, और पूरी तरीके से इन्वेंट तो नहीं किया पर फिर भी उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से फेमस किया और अच्छे से एग्जीक्यूट करने की कोशिश तो की, पर अच्छे से एग्जीक्यूट वो लोग पबजी से नहीं कर पाए, क्योंकि फर्स्ट में पबजी बहुत ही ज्यादा अजीब था और बहुत ही ज्यादा लैगी और टूटा फूटा गेम था। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेयर अननोन थोड़ी सी पैसों की भूखी है, क्योंकि वो लोग ने ईए के मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ा ही दिया और बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश भी की, और जिसकी वजह से उनको बहुत सारा हेट और उनके गेम को बहुत सारा डिसएडवांटेज भी हुआ। पर फिर भी ये कोई भी नहीं मना कर सकता कि उन्होंने हमें
एक बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम दिया, और साथ ही में अगर वो लोग एक नए गेम पर काम कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से पैसों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर वो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें एक और भी अच्छा और एक नया आइडिया शायद मिल जाए और एक नई टाइप का जॉनरा हमें मिल जाए। पर फिर भी वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा उनके लिए, क्योंकि अभी के मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हर एक कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है हर एक प्लान को, और साथ ही में आजकल के मैक्सिमम गेम्स फ्री आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा हार्ड हो जाता है कि लोग पैसे देके एक गेम खरीदे, ना कि वो जो फ्री मिल रहा है और अच्छा भी है उसे डाउनलोड करे। तो फिर मेरे हिसाब से वो लोग जिस नए गेम पर काम कर रहे हैं वो फ्री भी हो सकता है, क्योंकि अभी के ज्यादातर अच्छे गेम्स फ्री निकल रहे हैं और साथ ही में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से बनाए भी गए हैं। और एक चांस ये भी हो जाता है कि अगर वो लोग एक नया गेम लेके आते हैं और उनका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो फिर लोग उस पर उतना ज्यादा ख्याल नहीं करेंगे और सिर्फ PUBG के लिए ही फेमस रह जाएंगे और कुछ नहीं। तो फिर यार मुझे जितना लगता है कि उनको अपने नए गेम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पर फोकस देना चाहिए और उसके कॉन्सेप्ट पर भी, ना कि वो कितना पैसा कमा सकते हैं उससे इस पर, क्योंकि उनके पास अभी बहुत ही ज्यादा बजट है PUBG की वजह से और उनकी टीम भी आधी हो चुकी है ऐसे PC गेम्स बनाने की वजह से। और मेरे हिसाब से अगर PUBG को वो लोग छोड़ भी देते हैं पूरी तरीके से और कोई अपडेट भी नहीं देते, फिर भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो PUBG को खेलेंगे भी, और साथ ही में PUBG हमेशा ही गेमिंग हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, क्योंकि PUBG ही ऐसा गेम था जिन्होंने बैटल रॉयल को इंट्रोड्यूस किया पब्लिक के लिए और साथ ही में इतना ही ज्यादा फेमस किया। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद PUBG मोबाइल भी एक डेड गेम बन जाए, क्योंकि अभी जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है वो भी लॉन्च हो चुका है टेंसिंग गेम्स की तरफ से, और साथ ही में एपेक्स लेजेंड मोबाइल भी आ रहा है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए PUBG को। तो फिर इसी वजह से मेरे हिसाब से डायनेमो और बहुत सारे ऐसे एमुलेटर प्लेयर्स कुछ दिन बाद ही खत्म हो जाएंगे, और शायद वो लोग एपेक्स लेजेंड या फिर नए जो गेम आ रहे हैं वो भी एमुलेटर पर ही खेले। और ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक था, तो फिर इसको सीरियसली मत ले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही गेमिंग रिलेटेड या फिर गेमिंग न्यूज चाहिए तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, और बाय।